करके लौटे और बलदाऊ जी से कहने लगे, दाऊ भैया हमारा मन है आज गौ सेवा करने नहीं जाएं, अपन जो है यमुना किनारे खेलने चलते। सो यमुना के किनारे खेलने गए, खेल खेल में ही गोविंद ने गेंद गिरा दी यमुना में। ब्रजवासी कहने लगे गेंद लेकर के आओ। कन्हैया गए जाकर के यमुना में कूदे, वहां पर जाकर के कालिया नांग से युद्ध किया, तांडव गति मुंडन पे निर्तत बनवारी, एक एक क्षण पर हजार हजार चरणों का प्रहार किया, हजार हजार चरणों का प्रहार किया। और कालिया नांग के लिए ना था, कालिया नांग कहने लगा सरकार गरुण जी हमें मार देंगे। कन्हैया कहने लगे तुम्हारे सिर पर हमारे चरण हैं, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। सो कालिया नांग से कहा तुम यहां से चले जाओ। सुखदेव जी कहते राजन कालिया नांग के लिए ना था। अब जब कन्हैया लौट करके आए, मैया यशोदा कहने लगी नंद बाबा से, बाबा अपने लाला के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही, लाला के लिए एक काम करो, कोई गुणी ब्राह्मण बुलवा करके कुंडली दिखवा लो। तो ध्यान देना, कन्हैया जी की कुंडली दिखवाई गई गर्गाचार्य जी से। गर्गाचार्य जी ने कुंडली देखी और गर्गाचार्य जी ने देखा कि कन्हैया की कुंडली में विषयोग था, जहर से सामना जन्म हुआ, पूतना जहर लगा करके आई। बड़े भाई अजगर बन करके अघासुर आया और बड़े भाई कालिया नांग से सामना हुआ, माने जहर से बार बार सामना हो रहा। तो इनकी कुंडली में दो योग हते, एक विषयोग एक निसंतान योग, बाल बच्चे ने होते इनके ना। गर्गाचार्य जी ने दोनों चीजों को उपाय किए थे। जैसे राजा रघु की कुंडली में था, राजा रघु जो रघुवंश में भाई सूर्य वंश में, राजा रघु की कुंडली में था कि सातवीं भावर पर है लड़का मर जाए। तो रघु के पिताजी ने कर रहे थे ब्याह, रघु के पिताजी कहने लगे कि जब ये सो ब्याह का करने के सातवीं भावर में लड़का मर जाए। वशिष्ठ जी आए, एक दिन वशिष्ठ जी कहने लगे क्यों रघु की शादी क्यों नहीं कर रहा है। वो कहने लगे गुरु जी आप इन्हें कुंडली में लिखो सातवीं भावर पर है लड़का मर जाए, ये सो ब्याह का काम को। वशिष्ठ जी कहने लगे तो सुनो तुम्हारे यहाँ लड़का है ये कहीं, अब ब्याह न कर हो वंश ने बढ़े तो वंश रुक जाएगा, इसलिए शादी तो करनी पड़ेगी। रघु के पिताजी कहने लगे गुरु जी ऐसा विवाह भी किस काम का के लड़का सातवीं भाव में मर जाए। वशिष्ठ जी कहने लगे तो सुनो इस कुंडली का एक काट है, काट ये है कि हम बता रहे विवाह भी हो जाएगा और लड़का को दिक्कत भी नहीं हुई है। तो पेल के जमाने में सात ही भावरों में लड़का रेत तो आगे और मोड़ी रेती पाछे। फिर वशिष्ठ जी ने क्या किया, एक पीरो मटका लाओ और कछु भावरों में करो लड़का खो आगे, तीन या चार, शायद तीन में लड़का रहता है चार में मोड़ी रेत। तो कुछ में किया लड़के को आगे तीन में और चार में करो मोड़ी खो आगे। अरे वो पीरो मटका घुमाओ वेदी पे हो, कहने लगे सुनो लड़का आगे के भावरों में रहो, बोले तीन में। तो बोले वो मैं का लिखो कर सातवीं भावर पर है जब लड़का मरे, तो तीन भावरों में आगे रहो दिक्कत नहीं है। और मोड़ी के में रही, बोले चार में। बोले दोनों की मिला के भावरे हो गई चार और तीन सात, बोले दो ही पति पत्नी होगा घरे ले जाओ। वशिष्ठ जी से राजा रघु के पिताजी कहने लगे यार जा बताओ आज तो आप जैसे गुरु जी और हम जैसे चेला है जो मान जा, और आप जैसे गुरु हो आने वाले समय में ना तो इतने विद्वान गुरु जी हरे होंगे अन्य इतने विधि विधान वाले चेला हुए हैं। भाई आजकल को कितनी विधि विधान से कर रहा हूं, कौन कितनी विधि विधान से करता। ब्याह में तो और देखियो ऐसी कबड्डी मचा थे, पहले तीन दिन की शादी होती थी अब तीन घंटा की नहीं बची। डीजे पे नचे दो बजे तक, जयमाला की फोटो खींचे दो बजे तक, राग तान हुए बोले दो तीन बजे तक, और वो के बाद ढाई तीन बजे मोड़ी लड़का जे है मड़वा में, फिर महाराज को ताना थे कुर्ता, महाराज जल्दी करो छे नहीं बज जाए भावरे पारो, खवाता उसे जल्दी करवाओ। सो खवा सो महाराज दो ही मिलके कहने लगा तब इन्हें परी है भगाओ जल्दी। अब सो लाए चाओ हमारे कई बो है ध्रुव तारो दिखा गाओ, उते मड़वा में क्या देखा दिखा गाओ। और अच्छा आत्मा की बताइयो जितों के हो गए, जो उनके हो गए आत्मा की बताओ का को खुद खानो, तो को खुद खानो नहीं दिखानो, अरे काय खुद दिखानो है। अब उतना जल्दी कह दे था उदे खा गाओ, महाराज ने कही तो लगे मुंडो में मुंडो उन्हें दाही फेंके चावर कही जाओ घरे। अब सही बताए उतना ही सिया दिन में तारे दिखान लगा, हाँ फिर यह दिन में तारे दिखा खबर ही नहीं रहा। आजकल तो विधि विधान नहीं, आजकल देखना हरीरे मड़वा तक में
लोग पांव में पादुका पहन करके घूमते हैं, जबकि हरीरे मंडप में देवी देवता निवास करते हैं। छेलिया के खाम पर जो चार चिरंगे रेत हैं, शंकर जी के विवाह में भूत कर रहे थे उपद्रव। शंकर जी के विवाह में भूत कर रहे थे उपद्रव, भूत गए थे। ब्रह्मा जी की दाढ़ी पटा दी जब सती जी के साथ में विवाह हुआ था। सो ब्रह्मा जी कहने लगे, हम ब्याह नहीं पड़े हैं, ये भूत उदम दाए। शंकर जी कहने लगे, क्यों? बोले इनके इलाज शांत करो। शंकर जी ने एक सांप निकाला और सर्प निकाल करके वो खाम पे एक अंटा, दो अंटा, तीन अंटा, चार अंटा, और सांप से कहने लगे, फन करके देखत रहो कौन भूत उदम दे रहा हो। सो सांप देखत रहो। ब्रह्मा जी कहने लगे, जा बताओ, आज तो आपने संभाल लिया, आगे कौन संभाल? शंकर जी कहने लगे, ये नांग देवता बर हमेश खाम पर बैठ करके और मड़वा में रक्षा कर रहे। सो आज भी सांप के लाजे चार अंटा दाए गए थे, वो रूप रे फन करें तो। सो आज भी ब्याह के खाम में चार चिरंगे लगा थे और रूप रे लगा थे एक फन को। लगत क्या नहीं लगत? मोड़ी को ब्याह होए तो तन्ना खाम को सजा दे, लेकिन लगत चार ही है चार ही तरफ से। और लड़का को ब्याह होए तो चार चिरंगे, चार काय लगत? क्योंकि वो सांप के लिए चार अंटा मार के दौगा। तो याद करना, और शंकर जी ने वरदान दिया था कि आज के बाद हर मड़वा में जे नांग देवता रक्षा कर रहे। सो आज भी हर मंडप में रक्षा करते हैं। आप और सब बैठे खूब बरात में जात हुई हो ब्याह में सब, यहाँ वापर तो खूब है याद हमारा में भाई जा रहे तो है इन्हें टेम नहीं मिलाती आए है न मन लगा राम धनी तो मालूम। हर ब्याह में कितनों बरात कैसा हो, जनवासी में लड़ाई हो पड़े, स्टेज पे लड़ाई हो पड़े, विदा में बायरे लड़ाई हो पड़े, लेकिन आज तक ने सुनी हुई है कि हरीरे मड़वा में लड़ाई हो पड़ी तो कोनों में हरीरे मड़वा में घल गए। कारण हरीरे मड़वा में वो नांग देवता आज भी रक्षा करत। वो ब्याह में कमो बेत जा कर्री हो पड़े और भगवे को जगह न मिल रही हो, सुरक्षित जगह जाने हो तो मड़वा में चले जाइयो। मड़वा में आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी नांग देवता रक्षा करते हैं। नांग देव की चार अंटी मारी थी, सो आज चार चिरंगियां लगा थी। यही से खाम में चार चिरंगियां लगा तो ऊपरे फन रेत, वो शेष नांग का फन है। अपनी हर चीज का कोई ना कोई मतलब है। ये बोले आगे कोई ऐसा नहीं होगा, इतने गुरु जी ने हुए, इतने चेला ने हुए, क्योंकि चेलों को भी निविदान नहीं है। हरीरे मड़वा में जहाँ देवता बैठा उतरे का रिश्तेदार पाँव में पेरेंगा तो बता फिर, जबकि हरे मंडप के बाहर भाई एक पति पत्नी बनने जा रहे हैं, पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, पूरे देवता जहां बुलाए गए उतरे कई दो बूंद लाए कुलठाई खा रहे, उतरे बासी आ रही। अब बताओ उनका भविष्य का होगा क्या? नहीं, हरीरा मंडप एक यज्ञशाला, यज्ञशाला वहां पूरे देवता निवास करते हैं। लेकिन बोले ये तो विधि विधान को न दे है ध्यान, बोले तो बताओ आगे क्या होगा भाई? विधि विधान पे आजकल को ध्यान नहीं दे रहा, राम धनी तो दे रहा को आजकल तो एक तो होगा हो कि कहो सुनो लड़का की जावे बरात तो कहो बाप लो ने रोके होते, आओ जे माला भाई वो बाप लो गाड़ी दवाई घर है, कई कहे कहाँ जा रहा है, कई यार अब का बताए देने तो हतु मनो जल्दी जाने हवा चलन लगी है, भूसा धरो गली में, हमें तो रहे आए तो भूसा उड़ जे ऊपर बरसाती जाने, और कई क्या बाप हरे भागी आओ लड़का को भी आओ हो रहा। अच्छा जा बताओ ये नुकसान का हो तुम्हारे क्यों का दिक्कत? बरात तो लग गई, अब भागे आओ तो भागे आओ, देखो का दिक्कत हो? कहीं भूसा ओढ़ जे रखा उन्हें तो बाप आ गाओ घरे भूसा रखा भी, अब उते लड़का को हो रहा भी आओ। अब महाराज ने बोले का साखो चार, महाराज ने कही खेरे से खेरो बताओ अपनो खेरो, अब जोन खो खेरे पता हते वे भगया भूसा रखा भी, अब खेरे को बतावे, अब उते मम्मा बैठे फूफा बैठे, अब कही बताओ खेरो, फूफा कहन लगे अब हम का बताएं, हम जब दूल्हा बन के गए थे सुजे बल जाता रहे रेत थी, अब भाई उन्हें अपनी खबर मम्मा से पूछी तुम बताओ, मम्मा कहन लगे हमने जब बहन को ब्याह करो तो जब कुगा के बगल में घर बनो तो, अब बताओ जी अखेरे अजोन खो खेरे पता वो चलोगा घरे भोसारा खा भी, अब कही बे तो भग गए, अब एक काम करो महाराज तुम ही बोल दे, महाराज ने अब का करिए बना के बोल दे, अब उल्टे सूदे बोले खेरे फिर बता का दिक्कत भाई, ब्याह होगा लड़का बहू घरे आ गए साल के बाद फिर फेरा थे बाप लाल कर गया रेशम लाए महाराज हो गए, कही का है कही गढ़ा बना दे, कही का है कही का पता ब्याह भाव जब से लड़का बहू की तो कई तानसी नहीं बैठ रही, दो साल हो गए लड़का बहू की तो कई तानसी नहीं बैठा, अब कैसे बैठे तो कान
जोन चीजों से तुक्तान बैठने थी उतना तो तुम्हें रखाऊंगे तो भूसा अब रख दो भूसा है भाई। नहीं तो विधि विधान का काम है, अच्छे से मंत्रों से विधि और विधान से विवाह करवाना चाहिए। आजकल विधि विधान पे ध्यान नहीं दे रहे। 7 जन्मों को बंधन, 7 साल में टूट रहा हो। 7 जन्मों का बंधन परिवार ऐसे बिखर रहे क्या बताएं। ये कहने लगे सुनो गुरुजी आज आप हटे और रघु जैसा अगर किसी की कुंडली में दोष भाव तो आगे कौन देखेगा। वशिष्ठ जी कहने लगे जाओ आज से हम वरदान दे रहे, जे जो पीरो मटका हमने वेदी पे घुमाओ, जे मटका शादी में जाएगा मंडप में और जब भाव रहे पड़े तो पंडित जी घूमे हैं वेदी पे, और अगर किसी भी लड़का बहू की कुंडली में ऐसे दोष हुए जाए तो वो दोष ये मटका हरण करेगा। सो आज भी वो पीरो मटका ब्याह में जाते, उसका नाम क्या है राजा रघु के ब्याह में पहली बेरे गाओ तो सो रघु के नाम से मिलता जुलता नाम है उसका रघु आरा। जौनखों पर बुंदेलखंड में कहते हैं रघुआरो, जो रघुवारा है यह वही मटका है, इसीलिए विवाह में रघुवारा जाता है। राजा रघु के विवाह में पहली बार गया था, यह दोषों को हरण करता है। कन्हैया की कुंडली में दोष था के सर्प यानी विष योग है। गर्गाचार्य जी कहने लगे विष योग के काट को एक ही चीज है जहर यानी सांप का शत्रु है मोर, तो इनके लिए मोर पंख धारण करवाओ। जो मोर पंख कन्हैया के लिए धारण करवाया, कन्हैया ने विषयोग के काट के लिए मोर पंख पहना। एक कारण ये भी है मोर सर्प का शत्रु है, सो ने मोर के लिए लिया और सलाखों पर धारण कर लिया। अब कन्हैया बड़े आनंद से रहते थे। एक दिन गौचारण करके लौटे, यहाँ पर आनंद बाबा तैयारी कर रहे थे। कन्हैया कहने लगे क्या कर रहे, बोले यज्ञ की तैयारी। बोले इससे क्या होगा, बोले यज्ञ करेंगे इंद्र का, जल की वर्षा होगी, हरी हरी घास होगी, गऊएं खाएंगी, खूब दूध दही होगा। बोले मतलब अगर अपन यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या इंद्र वर्षा नहीं करेगा, अपन को खाने नहीं मिलेगा। बोले अब बात तो ये हो सकती है। कन्हैया कहने लगे नहीं, अपन एक काम करो, अपन इस बार गिरिराज जी का पूजन करते हैं। अच्छा कई कई लोग यहाँ कहते हैं कि कन्हैया ने इंद्र का पूजन बंद करवाया, इंद्र का पूजन बंद नहीं करवाया। एक देवता दूसरे देवता का पूजन कभी बंद नहीं करवा सकता। हाँ गिरिराज का पूजन चालू करवाया। क्यों करवाया, त्रेता युग में राम जी ने वरदान दिया था, जब पुल बन रहा था तो गिरिराज जी भी गए थे, तो गिरिराज जी वहां पर गए। सो गिरिराज जी जब तक पुल बन गया, नल नील ने बोल दिया कि पुल पूरा बन गया, तो गिरिराज जी को वापस किया। गिरिराज जी कहने लगे सरकार हम इतने दूर से आए, हमें ले लो सेवा में। बोले नहीं ले सकते, मना कर दिया। गिरिराज जी कहने लगे तो बताओ हम भगत या सेवा में नहीं लगे। राम जी कहने लगे जाओ इस बार नहीं आए, लेकिन तुम द्वापर युग में काम में आओगे, जब इंद्र कुपित होकर के जल की वर्षा करेगा हम 7 दिनों 7 रात तुम्हारी तलैटी में रहेंगे, जाओ तुम ब्रजमंडल में बैठना। सो गिरिराज जी आए और ब्रजमंडल में निवास करने लगे। अच्छा उसी दिन से गिरिराज जी के लाज दुख भाव के हम यहाँ राम के काम में नहीं आ पाए। सो गिरिराज जी एक तिल रोज घटते हैं, एक तिल रोज घटाते हैं। आप उन्हें कथा में सुनते होंगे कि 7 कोस की देह पर कम्मा, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होंगे, पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करना। घटते 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 गिरिराज जी इतने घट गए कि कहीं कहीं तो जमीन के बराबरी पे आ गए। रोज एक तिल घटते हैं और गिरिराज जी ने एक संकल्प और लिया था कि ब्रज मंडल के बाहर हम कभी नहीं जाएंगे। सो आज भी गिरिराज जी को एक ककड़ा नहीं ले आ सकत कोनो, उन्हें ले आओ जात। जैसे कल हमने बताया था कि बनारस के गंगा का जल कभी नहीं लाना चाहिए। दुनिया हर जगह के गंगा का जल लाओ, लेकिन बनारस के गंगा का जल नहीं लाया जाता, क्योंकि उसमें कई प्रकार के कीटाणु आ जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कितने पुण्यों से होते जन्म लाओ और अपन उनके मोक्ष में बाधक बन गए। अपन उनको बनारस से लेके घरे ले आए तो उनके मोक्ष में बाधक बन गए और वो अपन के लिए दोष लगता है। बनारस में मरने वाले का मोक्ष होता है, इसलिए गंगा के गंगा का बनारस घाट का जल नहीं लाना चाहिए और गिरिराज जी से पत्थर नहीं लाना चाहिए। ले आओ तो गिरिराज जी परेशान कर देते हैं, भंडारे करने पड़ेंगे, रखने जाना पड़ेगा। आज ये कहते हैं कि सरकार आपकी चिंता में हम ये रहेंगे,
सोने दिया था वरदान, गिरिराज जी रोज घटते हैं, आज ने कहा कि हमें गिरिराज जी का पूजन करवाना चाहिए, सो ये त्रेता का वरदान पूरा करने को गिरिराज जी का पूजन हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, नंद बाबा कहने लगे भैया हमारी तीन शर्तें हैं पूजा तो कर हैं। बोले कौन कौन? बोले पहली शर्त आंखें बंद करी भोग लग गई सो नहीं, प्रकट होकर खाना पड़ेगा। दूसरी शर्त पूजा की विधि हम पे बनत रहेंगे तुम्हें बतानी पड़ेगी। तीसरी शर्त इंद्र अगर कुपित हो गया तो तुम्हारे कन्हैया को रक्षा करनी पड़ेगी। बोले बिल्कुल कर हैं, तीनों शर्तें मंजूर हैं, चलो। साहब ने सामग्री तैयार करी और गिरिराज जी के पूजन को सभी लोग जा रहे हैं। अच्छा, गिरिराज जी के पूजन में सब लेकर के जा रहे हैं, क्या क्या बना है अपन देखते हैं। कैसी बनी जेवो नारे कन्हैया की, ऐसी बनी रे जेवो नारे कन्हैया की।